आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। वनडे वर्ल्ड कप 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर है। बता दें कि लीग स्टेज के 45 और नॉकआउट के दो मैचों के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बनाई है। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। आपको बता दें कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच बेहद ही रोमांचक रहा है, लेकिन अफ्रीकी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबला 3 विकेट से गंवा दिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि खिताबी मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि फाइनल में कंगारू की भिड़ंत इंडिया से होगी। टीम इंडिया चौथी बार यह मुकाबला खेलेगी। अगर बात करें मुकाबले की तो टीम इंडिया का कंगारू टीम की बल्लेबाजी से सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर उनको जल्दी आउट नहीं किया गया तो वह विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। बता दें कि इस मैच को देखने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ही आ सकते हैं। इसके साथ ही मैच देखने के लिए भारतीय कप्तान एमएस धोनी और कपिल देव भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। उसके बाद भारत 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।